बैठे बैठे काम करने का मजा ही कुछ और है, नहीं? बैठे बैठे खाना खाओ, बैठे बैठे टीवी देखो, बैठे बैठे काम करो। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का भी चलन शुरू हो गया है ना। लेकिन ये जो तोंद है ना, ये निकलती ही जा रही है। काश इसको खत्म करने का भी कोई ऐसा तरीका होता, बस आसान सा, बैठे बैठे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए 5 इजी बेली फैट एक्सरसाइजेस फॉर बिगनर्स एट होम। आप चाहें तो इसे होम वर्कआउट की तरह भी कर सकते हैं। ये बड़े ही आसान एक्सरसाइज है, आसानी से कहीं पर भी आप कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के करिए या फिर पलंग पे बैठ के करिए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका बेली फैट आपको सताए और नीचे आपकी नजर जाए, देखते ही तोंद पे हाथ आप घुमाएं, तो जल्दी से ये एक्सरसाइज करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस बेली फैट वर्कआउट को शुरू करने से पहले आइए जल्दी से आपको मैं आपके पोस्चर के बारे में थोड़ी टिप्स दे देती हूँ। आपको बैठना है चेयर में बिल्कुल स्ट्रेट, आपको ऐसे आगे होके ऐसे करके नहीं बैठना, आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी का पोस्चर करेक्शन अपने आप ही हो जाएगा। और आपने अपने शोल्डर्स को भी एकदम स्ट्रेट रखना है, आगे इस प्रकार से ढिलकते हुए नहीं रखना है। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, और अपनी टमी को आपने रखना है टक्ड इन। कैसे हमारी जब कोई फोटोग्राफ खींचता है, हम जल्दी से पेट को अंदर सक इन करके चीज बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहाँ पे अपनी सांस को एकदम नॉर्मल रखिए और स्टमक मसल्स को रखिए टाइट और टक्ड इन। आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वर्कआउट को। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल अपने पोस्चर को करेक्ट करते हुए जैसे सिखाया था वैसे ही बैठना है। अपनी लेग्स को इतना स्प्रेड करना है जितना आपके हाथ से लेके एल्बो तक का फर्क है, उसको नाप लेंगे एंड परफेक्ट। अब शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज के लिए हमने अपनी नी को उठाना है इस प्रकार से, ज्यादा हाई नहीं उठाना, इतना तक उठाना है। और हमने अपने टोज को नीचे नहीं पॉइंट करना, ऊपर नहीं करना, बिल्कुल सीधा पॉइंट करना है, एकदम स्ट्रेट रखना है। टमी को भी टक्ड इन रखिएगा और इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपकी लेग में आपको जोर पड़ रहा है, लेकिन हमारी जो क्वाड मसल है हमारी लोअर बेली से अटैच्ड है। तो लोअर बेली पे अगर करना है वार, तो जल्दी से हो जाइए तैयार इस एक्सरसाइज को करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेल डन। अब दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Well done. अब दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Well done. बहुत अच्छे। अब ये तो हुआ आपका एक सेट। तो अगर आपको इसके 2 या 3 रेप्स करने हैं, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको दूसरी एक्सरसाइज के लिए। तो दूसरी एक्सरसाइज भी बड़ी ही आसान है। उसमें आपने हाथों को रखना है इस प्रकार, पोस्चर को एकदम सीधा रखिए, अपने हाथों को थोड़ा नीचे नहीं, इस प्रकार से अपने चेस्ट लेवल पे रखेंगे और हाथों को हम रखेंगे शोल्डर लेंथ पे और अपने हाथों को धीरे धीरे करके इस साइड पे लेके आएंगे और होल्ड करेंगे। साइड पे आते समय हम करेंगे ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन और फिर दूसरी साइड जाएंगे एंड ब्रीद आउट। इस प्रकार से हमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो जल्दी से आ जाइए, साथ साथ मिलके करते हैं। 1, 2, ब्रीद आउट, अपने आर्म्स के डिस्टेंस को मेंटेन करके इस एक्सरसाइज को करते रहिए। 3, 4 and 5। Well done. आपका एक सेट कंप्लीट होता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके 3-4 सेट्स आराम से कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको थर्ड एक्सरसाइज के लिए।
तो उम्मीद करती हूँ पहली दो एक्सरसाइज आपको बड़ी पसंद आई होंगी। पहली वाली थी हमारी लोअर बेली फैट के लिए, दूसरी वाली थी साइड बेली के लिए। अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्रंट बेली फैट के लिए। बड़ी ही आसान है। इस प्रकार से हमने पैरों को फिर से शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा और वाइड रखना है अपने लेग्स को, और फिर हमने नीचे जाना है और टो टच करना है ऐसे। नीचे जाते हुए आपने अपनी सांस छोड़नी है और ऊपर आते हुए सांस भरनी है। जल्दी से आइए, साथ साथ करते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक सेट। अगर आपने इसी के दो तीन रेप्स करने हैं तो जल्दी से वीडियो पॉज करके कर लीजिए। मैं कर रही हूं आपका इंतजार। मिलती हूं चौथी एक्सरसाइज के लिए। चौथी एक्सरसाइज बड़ी ही आसान और मेरी फेवरेट है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, बैठे बैठे चलना है। नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। ऐसे सीधे होके हम चेयर पे बैठ जाएंगे। चेयर को अगर पकड़ना है सपोर्ट के लिए शुरुआत में तो पकड़ सकते हैं, और फिर बस चलना है। जो हमारे पैरों की मूवमेंट होती है जब हम चलते हैं, बिल्कुल वही मूवमेंट करनी है बैठे बैठे। अपने घुटने को पूरा मोड़िए और फिर ऊपर। और कुछ लोग तो बैठे बैठे साइकिल भी चला सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप इसकी स्पीड क्या रखना चाहते हैं। वेल डन, आपने एक सेट इतने अच्छे से कंप्लीट किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ये तो हुआ एक सेट। अगर इसके दो तीन रेप्स करने हैं जल्दी जल्दी कर लो। मैं कर रही हूँ आपका इंतजार। वीडियो पॉज करके दोबारा से मिलते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज के लिए अपने पोस्चर को रखेंगे एकदम स्ट्रेट, चेयर में बैठेंगे, स्टमक को करेंगे टक इन, फिर अपनी लेग्स को हम इतना वाइड करेंगे जो हमारे हाथ से लेके एल्बो तक के डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा वाइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा। और फिर हमने अपने इस लेग को उठाना है, लेफ्ट लेग को, और इस हाथ से टो को टच करना है इस प्रकार से। नीचे जाते हुए हमने सांस छोड़ना है, ऊपर आते हुए सांस लेना है। जल्दी से आ जाइए, साथ साथ करते हैं। बेली में तो आपको जबरदस्त बर्न फील होने वाला है इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद में। तो अगर आपने वीडियो उतना ही एंजॉय करा है जितना कि मैंने, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कौन सी वाली एक्सरसाइज आपकी फेवरेट।